हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 29 अक्टूबर की तीनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। दोस्तों तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग लिए लेके आ चुका हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उन्हें आपको देखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको ये समझ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको इससे मिल ही जाएंगे आराम से, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मुझे अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियो। जैसे कि साइंस का मैंने अपलोड किया, टॉप 1000 साइंस के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, टॉप 250 क्वेश्चन जीएस के अपलोड किए हैं, ये आप देखिए। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाइए आप उससे जुड़ जाइए, या धनंजय प्रताप सिंह के नाम से अनअकैडमी ऐप पर मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको डिस्कस करना है और बहुत जरूरी भी है। दोस्तों जैसे याद है 17 सितंबर, आप सितंबर लिखा है, सेट हो गया है, थोड़ी जल्दी होती है, आप लोग सभी जानते हैं जल्दी क्वेश्चन लाने होते हैं। तो 17 सितंबर 2017 कौन सा दिन होगा, तो संडे होगा, जब आप लगाएंगे इसे तो संडे होगा इसे 17 सितंबर को। इवनिंग का क्वेश्चन है, आता है बाघ, हाथी, शेर, तोता, इनमें सबसे हटके कौन सा है, तो कौन सा होगा। देखो बाघ, हाथी, शेर में सब जानवर है, लेकिन ये क्या है, तोता एक पक्षी है, तो ये सबसे हटके हो जाएगा, तो पक्षी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि आता है मेघालय की राजधानी क्या, तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, क्या है, शिलोंग, ये राजधानी क्वेश्चन आया, सेकंड सब का क्वेश्चन है, तीनों सब के क्वेश्चन मिले हुए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो किसको मिला, ये शायद सॉरी किसको नहीं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब आता है ओजोन की इकाई, यानी ओजोन परत होती है जो, वो उसको किससे मापते, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या है, डाप्सन, क्या है, डाप्सन इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पे देखो आया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सबसे इनमें से सबसे, ये देखो थोड़े साइन ये जो है डिस्कस सही नहीं है, लेकिन आप ये समझिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का आया था, तो इसमें ये पूछा गया था कि सबसे बड़ा इनमें से परमाणु क्रमांक किसका होता है, सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो सोडियम का होता है, किसका होता है, सोडियम का सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक होता है। और दोस्तों यहाँ पे आता है कि कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, कम्पिटिटिव इंडेक्स में, तो क्या है, 58 रैंक है, कितनी, 58 रैंक। अरे बिजेंद्र सिंह सब लोग जानते होंगे क्या है, बिजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, यानी कि बिजेंद्र सिंह इज रिलेटेड फ्रॉम विच गेम, या कह सकते हैं तो किससे, बॉक्सिंग से, किससे, बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। अब आया कि वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे कब मनाया जाता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि ज़्यादा ये लोग जानते नहीं है इसको, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। अब ये आया कि साहित्य अकादमी जो है 2018 इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया, किसे बनाया गया, तो किसको बनाया गया, प्रोफेसर चंद्रशेखर को, किसको बनाया गया, प्रोफेसर चंद्रशेखर को ये बनाया गया इसका अध्यक्ष। अब आता है कि हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम ये किसके, किस क्रिया पर कार्य करता है, यानी किस पर, किस सिद्धांत पर चलता है, तो किस सिद्धांत पर चलता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, किस पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। लेकिन अगर यहीं पे परमाणु बम आ जाता तो फिर क्या करते, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर चलता है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब ये परमाणु हाइड्रोजन बम पूछ लिया है तो अब संभावना ये है कि यहाँ पे परमाणु बम का पूछा जा सकता है। अब आएगी इलेक्ट्रॉनिक का आवेश कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कैसा होता है, तो कैसा होता है, निगेटिव होता है, कैसा, इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा। आएगी ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं ठोस में होती है, किसमें होती है, ठोस में। अगर ऑप्शन आ जाए वायु, और जैसे कि अभी कल PCS का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किस में होती है, तो उसमें पूछा ऑप्शन था जल था, वायु था, निर्वात था और था स्टील, तो उसमें ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, स्टील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टील, और स्टील ठोस होती है तो उसमें ये तो सबसे तेज चाल होती है, वैसे स्टील आता है तो वो कर दीजिए आप। तब वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, देखो अब ये मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से जोड़ दिए क्योंकि जिससे आपको तैयार हो सके, क्योंकि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, और जल में 1483, कितनी, 1483 होती है आपकी। आई खाद श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो कौन से प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। और यहाँ पे आया जल में बासिंग सोडा घोल क्या कहलाता है, तो क्षारीय कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षारीय, क्योंकि जो जल होता है आपका वो क्या होता है, ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, वो तो वो उदासीन होता है, जो जल होता है उदासीन होता है, तो जब उसमें घोल मिला देते हैं तो क्षारीय का कार्य करता है। अब आता है मानव तंत्र में रोगों से लड़ने के लिए पदार्थ कौन सा है, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोधी होता है, जैसे कि आपका WBC होता है, वो क्या कहलाता है, आप शरीर का बॉडी गार्ड कहलाता है, तो ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है शरीर की, तो ऐसे ये हो जाता है। यहाँ पे आएगी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है, तो क्रीट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, क्रीट, सूर्य ग्रहण। दो आज मैं कुछ चीज़ें जुड़ी हुई लाया हूँ क्योंकि जिससे कि आपको आराम हो सके। सूर्य ग्रहण क्या होता है, जो जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच होते हैं तो क्या होता है, जब चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण, तो ये होता है, जो जब चंद्रमा क्या होता है सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब आता है ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कान का आंतरिक भाग निरीक्षण करता है किससे किया जाता है, तो गैस्ट्रोस्कोप से, किससे किया जाता है, गैस्ट्रोस्कोप से किया जाता है, ये कल भी आया था क्वेश्चन, और ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं,
एडोबी के सीईओ कौन है? तो शांतनु नारायण है। कौन है? शांतनु नारायण, एडोबी के सीईओ। विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राजील में होता है। किस में होता है? ब्राजील में। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? तो किस कारण दिखाई देता? प्रकीर्णन के कारण। किस कारण दिखाई देता? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बी आर अम्बेडकर है। कौन है? बी आर अम्बेडकर। आरबीसी का जीवन काल पूछा गया तो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? तो 4 से 7 दिन होता है। कितना होता है? 4 से 7 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का 120 दिन हो गया आपका। अब यहाँ पे और देखते हैं, जैसे क्या है, जी का जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब स्टेनलेस स्टील क्या है? तो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? मिश्र धातु होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाला प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा? तो एथिलीन है। कौन सा? एथिलीन। कौन सा होता है? एथिलीन होता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पिलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिलिया को। और जो यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आंत में। और यहाँ पे जो है 512, 256, 128, यहाँ पे इसके बाद में क्या आएगा? तो क्या आएगा, देखो 512 का आधा क्या होता है? 256। 256 का आधा 128 होता है। इसका आधा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा। असम के राज्यपाल का नाम पूछा गया तो रिपीट हुआ, जगदीश मुखी है। क्या नाम है? जगदीश मुखी, असम के राज्यपाल का नाम। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 कौन जीता? तो रोजर फेडरर। कौन जीता? रोजर फेडरर। अब यहाँ बताओ बढ़ाए मीर है, ये बड़ा मीर नहीं है। बढ़ाए मीर गलत टाइप हुआ है। क्या बढ़ाए मीर है? क्या बढ़ा मीर, ये कौन थे? पंच सिद्धांत से संबंधित किससे थे? तो खगोल विज्ञान से थे। किससे? खगोल विज्ञान से। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे परमाणु जो ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया तो कहाँ पे किया गया? तो नरोड़ा में किया गया। कहाँ पे? नरोड़ा में। अब यहाँ पे आएगी 4, 12, 20, 28, 36, फिर इसके बाद क्या आएगा? तो क्या आएगा इसके बाद? 44 आएगा। क्यों? इसमें 8 जुड़ रहा है। 4 में 8 जुड़ा 12, फिर 8 जुड़ा 20, फिर जुड़ा 28, फिर जुड़ा 36 हो गया, फिर आ गया 44। तो आपका 44 हो गया। अब जिस प्रकार पुस्तक का प्रकाश से संबंधित है प्रकाशक से, उसी प्रकार फिल्म का किससे होगा? निर्माता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? निर्माता से। एक समाचार पत्र में हमेशा क्या होता है? तो समाचार होता है। क्या होता है? समाचार होगा तभी समाचार पत्र कहलाएगा, ना तो कहलाएगा नहीं वो। यहाँ पे 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो कितने होते हैं? 10^7 अर्घ। कितने? 10^7 अर्घ। अब यहाँ पे आया न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त कितना होता है? एवरेज ब्लड कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। दोस्तों तो फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, महिला बहन और माता में क्या आरेख बनेगा? तो क्या बनेगा? दो महिला ही हो जाएगी और बहन और जो माता होगी दोनों इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये महिलाएं हैं दोनों लोग। तो इसका आंसर बी था ऑप्शन। जिन लोगों ने बी दिया था वो सही था। तो आपका बी ऑप्शन सही था। लगातार दौड़ने पर पेशी में दर्द होने लगता है, किस कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रिक अम्ल के कारण होता है। किस कारण होता है? इलेक्ट्रिक अम्ल के कारण। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि एमपी में नहीं है, विधान परिषद नहीं है। और यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2017 कौन जीता? कौन बना? तो मानसी छिल्लर बनी। कौन बनी? मानसी छिल्लर। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते? तो कितने कच्छ होते? 3 होते। कितने? 3 कच्छ होते मेढक के हृदय में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय, मतलब कौन से ऐसे भारतीय है? वैसे तो प्रत्येक वर्ष में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, लेकिन ऐसे कौन से भारतीय है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार नोबेल मिला है? तो कौन है? अमर्त्य सेन है। कौन? अमर्त्य सेन। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई। वायुमंडल में जो ओजोन परत की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? देखो दोस्तों, इसमें देखो फर्स्ट चैप्टर में ये पूछा गया कि ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है, और सेकंड चैप्टर में ये पूछ लिया कि ओजोन परत की जो इकाई होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। तो कितनी होती है ऊंचाई? 50 किलोमीटर होती है। वायुमंडल कितनी होती है? 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा सदस्य बनी तो कौन थी? नरगिस दत्त थे। कौन है? नरगिस दत्त। जो प्रथम अभिनेत्री है वो राज्यसभा सदस्य बनी तो कौन है? नरगिस दत्त थे। और यहाँ पे आता है कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण से होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण से होती है? तो कौन सा? तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किससे होता है? संक्रमण से हो जाता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से। अब आता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आता है जो यहाँ पे आया जो तो यहाँ पे आते हैं प्लास 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 है प्लस नहीं प्लास प्लास किस राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है? तो किसका? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। महिला एकदिवसीय क्रिकेट मैच कप्तान कौन है? तो मिताली राज है। सभी लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो लोग काफ़ी जानते होंगे इस चीज़ को। चेस बोर्ड में कितने खाने होते? तो 64 होते। कितने होते? 64 होते। अब ये पूछा गया कि रीजनिंग में ये बना क्वेश्चन, देखो चेयर का क्या हो? चेयर का ये बन रहा है उल्टा हो रहा है, सी हुआ फिर यहाँ से एच आया, उल्टा तरीके से करा जा रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे होगा, एम से पहले लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, फिर एन लिखा जाएगा, फिर जी, फिर ओ लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो उल्टी तरीके से क्रम से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे बनेगा आपका।
और यहाँ पे आए रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। अब यहाँ पे आए एच का एट बनता है तो हेड का क्या, ये 29 हुआ तो बॉक्स का क्या होगा, देखो दोस्तों इसमें क्रम के अनुसार हुआ है। एच किस क्रम में आता है, जैसे ये एट स्थान पे आता है और ए में आता है एक नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे, जब ये जोड़ोगे तो 29 बनेगा। इसी प्रकार से बॉक्स में भी आप कर दोगे, बी जिस क्रमांक में आता है वो लिखोगे 2 और ओ होता है 15वें में, एक्स होता है 24 में, जब आप जोड़ोगे तो 41 बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से आंसर जाएगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है। अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी, किसने, ए ओ ह्यूम ने। कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, कौन सा, महाराष्ट्र है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये थोड़ा यहाँ पे एक विद्युत हमेशा होता है, ये समझ में नहीं आया, प्रथम भी तो क्या होता है, तो लाइन वायर होती है, समझो एक विद्युत वायर में क्या होता है, तो क्या होता है, लाइन वायर होती है, ये है दोस्तों। यही थे तीनों सब के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जो कि आप लोग जानते हो कि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यही सब, तो आप लोग इनको सबको देखते रहिए और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये समझिए 8 से 9 क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, इन्हीं से आ जाएंगे। अगर आप रोज़ देखते होंगे तब, अगर रोज़ छोड़ छोड़ के देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, रोज़ देखिए इन सबको तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखिए, पिछले वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल एक लिस्ट बनाई है, वहाँ पर देखिए, उसका फायदा उठाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।